हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम ADEO एग्ज़ाम के लिए MCQ प्रैक्टिस डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर 8 है। चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें टेस्ट के साथ में लेक्चर भी डलें ADEO नाम से, तो आप जाकर के उसमें देख सकते हैं। आज का जो हमारा MCQ प्रैक्टिस का जो टॉपिक है वो है रर्बन मिशन एंड रोशनी प्रोग्राम। तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। चलिए फिर सेशन को हम स्टार्ट करें। ये ADEO एग्ज़ाम के लिए हमारे मोबाइल ऐप में कोर्स चल रहा है। यदि आप इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, जिसमें कॉलिंग की भी क्योंकि व्यवस्था है, साथ में यदि व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में मोबाइल ऐप की लिंक है। यदि आप इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए तो बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी लेनी हो आपको तो आप ज़रूर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए फिर हम सेशन को स्टार्ट करें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल अर्बन मिशन इज़ ऑल्सो नोन एज, राष्ट्रीय अर्बन मिशन को किस नाम से और किस नाम से भी जाना जाता है? दीनदयाल अर्बन मिशन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, वीर सावरकर अर्बन मिशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, क्योंकि अर्बन मिशन को हम, नेशनल अर्बन मिशन को हम और किस नाम से जानते हैं, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाई विच यूनियन मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड पब्लिक अफेयर्स, आवास और सार्वजनिक मामलों के मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड पब्लिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द नेशनल अर्बन मिशन वॉज लॉन्च बाई PM मोदी इन विच स्टेट? PM मोदी द्वारा किस राज्य में राष्ट्रीय अर्बन मिशन शुरू किया गया था? गुजरात, नई दिल्ली, छत्तीसगढ़, हरियाणा। बताइए कहाँ स्टार्ट, कहाँ हुआ है? तो ये स्टार्ट हुआ है छत्तीसगढ़ में। कहाँ स्टार्ट हुआ है ये अर्बन मिशन? तो अर्बन मिशन स्टार्ट हुआ है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ के कहाँ पे, तो कुरुभाट विलेज है जो कि डोंगरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, कुरुभाट विलेज, तो वहाँ पे स्टार्ट किया गया था। डोंगरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, डोंगरगढ़ जिले में आता है कुरुभाट, वहाँ से इसको स्टार्ट किया गया था। और अर्बन मिशन के पीछे सरकार की योजना क्या है, तो इनकी योजना है 300 क्लस्टर्स को हमें डेवलप करना है, 300 अर्बन क्लस्टर हमें डेवलप करना है। और अर्बन क्लस्टर मतलब ये होता है कि जो शहरों में जो सुविधा है उसे हमें ग्रामीण अंचलों तक पहुंचाना है। क्यों? क्योंकि ये जो अर्बन मिशन है, अर्बन मिशन वो किसको रिप्लेस किया है, किसकी जगह पे आया है, तो ये UPA सरकार की, यानी कि कांग्रेस सरकार हम बोल सकते हैं, तो UPA सरकार की पूरा मिशन चल रहा था। पूरा मतलब क्या होता है, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज़। इसको मैं हिंदी में भी आपको बता देती हूँ, यानी कि जो शहरी क्षेत्रों में जो सुविधाएं हैं उसकी सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान करना, ये इस नाम से एक पूरा मिशन चल रहा था UPA सरकार का। तो उसको रिप्लेस किया गया है अर्बन मिशन के द्वारा, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है अर्बन मिशन प्रारंभ किया गया था छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे 300 क्लस्टर, जो ओवरऑल यदि हम देखें तो पूरे भारत में सरकार का लक्ष्य है कि 300 क्लस्टर्स को, अर्बन क्लस्टर्स को डेवलप करेंगे, जहाँ पे ये इनकी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो शहरों में जो सुविधाएँ दी जाती हैं वही सुविधाएँ हम ग्रामीण अंचलों में दे दें। और ये ग्रामीण अंचलों में सुविधा कैसे दे पाएंगे, तो जो भी जैसे कि सड़क निर्माण हो गया, आवास निर्माण हो गया, यानी कि नल कनेक्शन हो गया, बिजली कनेक्शन हो गया, तो ये सबसे जो वंचित ना रहें किसी भी प्रकार के कोई भी वर्ग, तो और जैसे कि लोग अक्सर शहरों में जाते क्यों हैं, तो शहरों में जाने का कारण एक मुख्य हो जाता है कि
इनकम के लिए, तो इनकम जनरेशन भी यहाँ पे करवाएंगे हम। तो ओवरऑल जितनी भी योजनाएं सरकार की चल रही उनका अभिसरण किया गया है रर्बन मिशन में। अब इस कन्वर्जेंस यानी कि जो चल रहा है तो वो उसी को हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम रर्बन क्लस्टर्स के नाम पे इसको चिन्हित कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इनमें से कौन से कार्यक्रम ग्रामीण विकास के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए थे? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा जिसे हम कहते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। Which of these programs were initiated by the Government of India for Rural Development? National Rural Livelihood Mission, MNREGA, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, all of the above. बताइए ग्रामीण विकास के लिए कौन से कार्यक्रम भारत सरकार के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किए गए हैं। तो यहाँ पर आप सभी पढ़े होंगे कि बिल्कुल NRLM भी है, NRLM है जो कि ग्रामीण विकास के लिए है, बिल्कुल है, मनरेगा भी है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी है। इसका मतलब उपरोक्त सभी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है जो कि ग्रामीण विकास से संबंधित ये सभी योजनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, नन ऑफ द अबव। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन है केंद्र प्रायोजित योजना, केंद्र क्षेत्रीय योजना, राज्य सरकार की योजना या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए ये क्या है। तो ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है क्योंकि सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ जरूर की गई है लेकिन ये कार्यान्वित किसके द्वारा किया जा रहा है, तो राज्य सरकारों के द्वारा किया जा रहा है। तो यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्रांश और राज्यांश भी पूरी तरह से हैं, विभाजित हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल राज्य चला रहा है या फिर केंद्र सरकार दोनों। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। रर्बन मिशन के तहत क्रिटिकल गैप फंडिंग CGF के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह मैदानी क्षेत्र के लिए प्रति क्लस्टर 30 करोड़ रुपए तक CGF प्रदान करता है। यह आदिवासी और पहाड़ी राज्यों में क्लस्टर के लिए प्रति क्लस्टर 15 करोड़ रुपए तक CGF प्रदान करता है। ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। Which of the following statement is correct with respect to the critical gap funding CGF under urban mission? It provides for a CGF up to rupees 30 crore per cluster for plain areas. It provides for CGF up to 15 crore per cluster for clusters in tribal and hilly states. Both A and B, none of the above. बताइए CGF के संदर्भ में जो कि रर्बन मिशन में है कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे दोनों ही कथन सत्य हैं, बोथ ए एंड बी। क्यों? क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में रर्बन मिशन के तहत जो क्रिटिकल गैप फंडिंग क्या होता है कि यदि मैंने आपको क्या बताया, अभी सभी योजनाएं जो चल रही हैं ग्रामीण विकास के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका अभिसरण किया जाएगा किसमें, रर्बन मिशन में। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, जो शहरी क्षेत्रों में जो सुविधाएं प्रदान की जाती हैं उसे हम ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान करें, तो उसके लिए सभी जितनी भी योजनाएं उनका अभिसरण जब हम कर देंगे तो हम वो सुविधाओं को प्रदान कर पाएंगे। ऐसा सरकार का लक्ष्य था और ऐसी विचारधारा थी सरकार की। तो इसके तहत यदि कहीं पर कुछ कमी आ गई किसी भी योजना के क्रियान्वयन में, यदि कमी आ जाती क्लस्टर्स के डेवलपमेंट में यदि कहीं कमी आ गई तो सरकार का ये प्रावधान है कि हम क्या करेंगे, क्रिटिकल गैप फंडिंग यानी कि हम क्या करेंगे, जो राशि की कमी है उसको केंद्र सरकार देती है। तो उसके तहत में क्या बताया गया है कि 30 करोड़ रुपए जो है CGF के रूप में दिया जाता है, और वो 30 करोड़ या फिर 30%, 30 करोड़ या फिर 30% है ना, 30% भी याद रखेंगे, यानी कि जो भी कैपिटल कॉस्ट आ रही है यानी कि ओवरऑल जितना किसी भी योजना के तहत में यदि कहीं पे भी क्लस्टर डेवलपमेंट में, क्लस्टर जब विकास करेंगे, क्लस्टर के विकास में यदि ओवरऑल जितना खर्च है उसका 30% या फिर 30 करोड़ कहाँ पे, मैदानी क्षेत्रों में। और जो यही यदि हम बात करें आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों या पहाड़ी राज्यों के लिए, ये क्या बता दिए, आदिवासी एवं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ये बोल दिए हैं कि हम क्या करेंगे, हम 15 करोड़ का वहाँ पे प्रावधान करते हैं, 15 करोड़ या फिर 30% या फिर 30%, यानी कि जो भी क्लस्टर डेवलपमेंट टोटल कॉस्ट का 30% या फिर 15 करोड़। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे दोनों ही कथन सत्य हैं। तो हमारा सही आंसर क्या है, सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते क्या है,
रर्बन क्लस्टर भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे से सटे गांव का समूह है। द रर्बन क्लस्टर इज अ क्लस्टर ऑफ विलेज जियोग्राफिकली एडजेसेंट टू ईच अदर विथ अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 25,000 टू 50,000 इन द प्लेन्स कोस्टल एरियाज एंड 5,000 टू 15,000 इन द डेजर्ट हिली और ट्राइबल एरियाज बोथ ए एंड बी नन ऑफ द अबव। मैदानी इलाकों तटीय क्षेत्रों में लगभग 25 से लेकर के 50,000 की आबादी, रेगिस्तान पहाड़ी या आदिवासी क्षेत्र में 5,000 से 15,000 की आबादी, ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए रर्बन क्लस्टर, अभी हमने क्या देखा 300 क्लस्टर बनाएंगे रर्बन क्लस्टर, तो ये होते क्या हैं? तो सरकार ने कहा है कि यदि मैदानी क्षेत्रों की बात करें, मैदानी तटीय क्षेत्रों की बात करें, तो हम क्या देखेंगे वहाँ पे कि वहाँ पे आबादी कितनी है। यदि 25 से 50,000 तक की आबादी है तो बिल्कुल उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और वहीं पर हम डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे, विकास का कार्य हम स्टार्ट कर देंगे। फिर यदि हम रेगिस्तान पहाड़ी या आदिवासी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ हम क्या देखेंगे, वहाँ की आबादी हम 5,000 से 15,000 देखेंगे। यदि है तो वो बिल्कुल वो क्षेत्र या फिर हम बोल सकते हैं वो गांव जो है बिल्कुल पात्र है और हम वहाँ पे रर्बन क्लस्टर का डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो है सटे गाँव में आबादी के बारे में बताया गया है, जहाँ पर क्या बनाया जा रहा है, क्लस्टर्स का डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही हैं, क्योंकि 25 से 50 देखा जाता है वहाँ पे और यहाँ पे 5 से 15 देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा द विलेज क्लस्टर इज ग्राम समूह है। क्या है, ग्राम पंचायतों की प्रशासनिक अभिसरण की इकाई या प्रशासनिक सुविधा के लिए एक ब्लॉक तहसील के अंतर्गत होगा या प्रशासनिक सुविधा के लिए एक से अधिक ब्लॉक तहसील के अधीन होगा। जनपद पंचायतों के प्रशासनिक अभिसरण की इकाई, द यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वर्जेंस ऑफ ग्राम पंचायत इट विल बी अंडर वन ब्लॉक तहसील फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, इट विल बी अंडर मोर देन वन ब्लॉक तहसील फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, द यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वर्जेंस ऑफ जनपद पंचायत। ये पहले रीड कर लीजिए आप अपने से, क्यों, क्योंकि इसको पॉज करना और इसको अपने से रीड करना, क्योंकि अब ऑप्शंस को मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ठीक है, हमारे ऑप्शंस क्या हैं, 1, 2, 2, 4, 1, 3, 3, 4 हम देखते हैं पीछे, ये हमारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब देखते हैं ग्राम समूह होते क्या हैं, पहले हमें ये जानना है, तो ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली हम जान जाएंगे कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो जो ये ग्राम समूह होते हैं, ग्राम समूह के बारे में बोला जाता है कि ये ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक अभिसरण की इकाई है। ये द यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वर्जेंस ऑफ ग्राम पंचायत है, और क्या है, इट विल बी अंडर द वन ब्लॉक तहसील फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, या प्रशासनिक सुविधा के लिए एक ब्लॉक तहसील के अंतर्गत होते हैं। एक ब्लॉक तहसील के अंतर्गत ये आते हैं, किसके लिए, ये प्रशासनिक सुविधा के लिए हैं। देखिए प्रशासनिक अभिसरण की इकाई है, ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक अभिसरण की इकाई है, और ये क्या है होते हैं, प्रशासनिक सुविधा के लिए एक ब्लॉक तहसील के अंतर्गत आते हैं। यानी कि हमारा 1 और 2 ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है। देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है 1 और 2, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा क्या, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाए। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा आज पर 2011 सेंसस द नंबर ऑफ ग्राम्स इन छत्तीसगढ़ आर। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में ग्रामों की संख्या है 2,02,99,20,234,20,255,20,126। बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में ग्रामों की संख्या क्या है, ये बिल्कुल आपने पढ़ा होगा, है ना। तो क्या है छत्तीसगढ़ में ग्रामों की संख्या, तो छत्तीसगढ़ में ग्रामों की संख्या है 20126, 20,126 किसके अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, ये हमें बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, और ये जो 20,234 है और 20,255 है, ये वाला, ये सब क्या है, तो ये जो 20,255 है तो वो पंचायत विभाग के अनुसार है, जो कि 2019-20 का जो डेटा है, पंचायत विभाग का 2019-20 का जो डेटा है उसके अनुसार है। और ये 20,234 ये किसके अनुसार है, तो जैसे कि नवीन नगरी क्षेत्र के निर्माण हुए तो उसकी स्थापनोपरांत ये डेटा है, जो नवीन नगरी क्षेत्र का निर्माण हो गया है उसके बाद में यदि ग्रामों की यदि हम गणना करें तो कितनी है 20,234, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है 20,126। ये हमें ये तीनों ही याद करना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़ सरकार की रोशनी कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण के बाद प्लेसमेंट होगा गांव राज्य में, जिला राज्य में, जिला राज्य राज्य के बाहर, गांव राज्य राज्य के बाहर। बताइए, अंडर रोशनी प्रोग्राम ऑफ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट आफ्टर ट्रेनिंग द प्लेसमेंट वुड बी एट विलेज स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट स्टेट आउटसाइड स्टेट लेवल, विलेज स्टेट आउटसाइड स्टेट लेवल। तो कहाँ होता है, पहली बात तो रोशनी प्रोग्राम बिल्कुल आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्या होता है छत्तीसगढ़ सरकार की ये जो रोशनी कार्यक्रम है उसके तहत में होता क्या है कि प्रशिक्षण देते हैं, प्रशिक्षण देने के बाद में प्लेसमेंट कहाँ कर देते हैं, ये प्रशिक्षण देने के बाद प्लेसमेंट किस स्तर पर दे देते हैं, तो जिला राज्य और राज्य के बाहर भी, जिला राज्य इतना तो हम ऑलरेडी अपने आप इतना तो याद हमें हो ही सकता है जिला राज्य, लेकिन एक और चीज़ हमें याद करना है कि राज्य के बाहर भी प्लेसमेंट दिया जाता है इसके तहत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार की रोशनी कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जातियों के लिए एक विशेष परियोजना है, यह छत्तीसगढ़ राज्य के नक्सल प्रभावित जिले के लिए एक विशेष परियोजना है, यह पात्र परिवारों के विद्युतीकरण के बारे में है, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू रोशनी प्रोग्राम ऑफ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, इट इज़ अ स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर शेड्यूल कास्ट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट, इट इज अ स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट, इट इज अबाउट इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एलिजिबल हाउस होल्ड्स, नन ऑफ द अबव। बताइए रोशनी कार्यक्रम है क्या, पहली बात तो किसका कार्यक्रम है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का है, छत्तीसगढ़ सरकार का है रोशनी कार्यक्रम। फिर जो हमें याद रखना है कि ये किस लिए लाया गया है, तो ये स्पेशल प्रोजेक्ट है किसके लिए, नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। क्या है ये, विशेष परियोजना है, कहाँ के लिए, तो नक्सल प्रभावित जिलों के लिए, छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों के लिए यह एक विशेष परियोजना है, क्या, रोशनी कार्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रोशनी कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रोशनी प्रोग्राम, अंडर इट देर इज अ प्रोविजन ऑफ गिविंग ट्रेनिंग टू 50% वुमेन, द प्रोग्राम कवर्स 18-40 ईयर्स यूथ, द प्रोग्राम कवर्स टोटल 8 शेड्यूल्ड ट्राइब एंड नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, नन ऑफ द अबव। रोशनी कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसके तहत 50% महिलाओं को प्रशिक्षण देने का प्रावधान है, इस कार्यक्रम में 18-40 वर्ष के युवा शामिल हैं, इस कार्यक्रम में कुल अनुसूचित जनजाति बाहुल्य और नक्सल प्रभावित जिले शामिल हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा कथन सत्य पूछा गया, तो यहाँ पे जो 50 लिखा है, तो यदि 40 लिखा होता तो सही होता, क्यों, क्योंकि रोशनी कार्यक्रम में 40% महिलाओं को प्रशिक्षण का प्रावधान है, 40%। फिर उसके बाद पूछा गया कि 18-40 वर्ष के युवा इसमें शामिल है, तो नहीं, इनको थोड़ी ना प्रशिक्षण दिया जाता है, किसको दिया जाता है, 15-35 वर्ष के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, इसके NRLM के तहत में प्रशिक्षण देने का इसमें प्रावधान है, उद्देश्य यही है रोशनी कार्यक्रम का। फिर क्या है इसमें, मैंने आपको क्या बताया, नक्सल प्रभावित जिलों के लिए, लेकिन एक बात जो हमें याद रखनी कि कुल कितने जिले हैं, तो 8 जिले हैं, जो कि किस तरह से इसकी गणना की गई है, तो अनुसूचित जनजाति बाहुल्य, जहाँ पे ज़्यादा अनुसूचित जाति जनजाति के लोग रहते हैं, एवं नक्सल प्रभावित जिले इसमें शामिल हैं। तो 8 कौन से हैं, तो 7 बस्तर संभाग के हो गया और 1 जो है बलरामपुर हो गया। 7 जिले जो हैं कौन है, तो बस्तर संभाग के हैं और 1 क्या है, तो 1 है बलरामपुर। तो 8 जिले कुल मिलाकर के इसमें शामिल हैं कि इसमें रोशनी कार्यक्रम में। तो यहाँ पे हमने जो है 12 MCQ डिस्कस किए हैं, जो कि रर्बन मिशन से है और रोशनी कार्यक्रम से है। ये सेशन आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन।